हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे होता है कि आप योनो SBI का प्रोफाइल का पासवर्ड भूल गए हैं, उसमें आप प्रोफाइल का पासवर्ड भूल गए हैं, उसको रीजन पूछता है तो रीजन नहीं हुआ, उसको भी याद नहीं है, तो आप अपने योनो SBI के पासवर्ड के प्रोफाइल का पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, किस तरह से उसको आप रिकवर करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो फ्रेंड, आपको जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे इस तरह से मेनू बार को, तो देख सकते हैं हमने योनो SBI लाइट, योनो SBI दोनों यूज कर रहे हैं। तो योनो SBI के हम बड़े ऐप का योनो बड़ा होता है योनो SBI का, उसको ओपन करेंगे अपडेट करने के बाद। तो इस तरह से ओपन करने के बाद हम अपने लॉगिन पिन को ओपन करेंगे। तो लॉगिन पिन को ओपन करने के बाद इस तरह से अपने AM पिन को डालेंगे। इस तरह में देख सकते हैं, इस तरह से हमने अपने AM पिन को डालने के बाद इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इस तरह से अपने योनो SBI के अपने प्रोफाइल को कैसे लॉगिन करेंगे, जैसे होता है अपने नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे सबसे आसान तरीके में कि योनो SBI के प्रोफाइल कैसे चेंज करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, इसमें आपको जो समस्या रहती है, इसमें आप नेट बैंकिंग के पासवर्ड को करना चाहते हैं, प्रोफाइल पासवर्ड सेट, MPN पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, इस तरह से कर सकेंगे। तो हम अपने प्रोफाइल पासवर्ड को हम रिकवर करना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है फारगेट पर। फारगेट पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनता है और आपको दो तरीका देता है, आप ATM कार्ड नंबर से भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकेंगे। तो हम अपने ATM कार्ड नंबर से चेंज करेंगे, जो अपना ATM नंबर डालेंगे और अपने ATM का पिन डालेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं, अपने ATM को नंबर डालने हैं और अपना ATM पिन डालेंगे। फ्रेंड, इस तरह से अपने ATM नंबर और ATM पिन डालने के बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं, सबसे नीचे वाले पर दिखाई दे रहा होगा, सबमिट करते समय आपको ध्यान देना है कि आपको मिलान कर लेना है ATM कार्ड नंबर और अपना पिन, वो एकदम मिलान कर लेंगे तो उसके वजह से आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन में आ जाएगा, जो अपना प्रोफाइल का होता है पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आपको नीचे पूरा जो होता है पूरा डिटेल में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से चेंज करेंगे, को आपको समस्या नहीं होगी। तो जैसे होता है फ्रेंड, आपको पहला कैपिटल लेटर लिखना है, उसके ऊपर से स्मॉल लिखेंगे, उसके ऊपर से आप 2 अंक 3 अंक आप अंकों में लिखेंगे और आपको @ लिख लेना है या जैसे #, लिख लेना है। इस तरह से आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको रीड कर लेगा और रीड करने के बाद यहाँ से आपको वो देख सकते हैं, जैसे जिस तरह से हमने लिखे हैं उस तरह से आप लिखेंगे तो आसानी से लिखा जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह से लिखेंगे तो रीड कर लेगा, उसके ऊपर से आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। इसीलिए आपको जैसे ऐसा पासवर्ड बनाइए जो आपको हमेशा याद रहे और आपको कोई समस्या नहीं हो। तो इस तरह से देख सकते हैं, हमने अपने पासवर्ड को न्यू पासवर्ड चेंज कर लिया, उसके पास से हमारे जो बैंक खाते से लिंक रहेगा, जो अंतिम के 4 अंक दिखाएगा आपका बैंक का, उसके ऊपर से आपको यहाँ से OTP डाल देंगे, अपने नंबर पर OTP आएगी, उसके ऊपर से OTP डालने के बाद यहाँ से रिस्टार्ट कर देंगे। रिस्टार्ट करने के बाद देख सकते हैं हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड, सबमिट पर जब क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा प्रोफाइल पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, और आपका प्रोफाइल पासवर्ड चेंज हो गया और लॉग आउट हो जाएंगे और आपको होता है कि आपको लॉगिन होने में कोई समस्या नहीं होगी। और इस समय आपको दिखाई देगा रेटिंग का ऑप्शन देगा और इसमें आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं कि आपको ओपन होने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है, लॉगिन हो जाएगा इस तरह से देख सकते हैं, लॉगिन और लॉग आउट हो जाएगा। और लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ भी अपना प्रोफाइल में सेट करना चाहते हैं तो आसानी सेट कर लेंगे। हम अपना MPN पिन डालने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएंगे।